गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आई एम प्रिंस त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो उसका टॉपिक है एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड डिफरेंट डिवाइसेस। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जो हमारा लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग से। सो इसके बारे में हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा डिटेल में हम सिर्फ एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। सो एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर आर कंट्रोल्ड साइमल्टेनियसली। सो एयर कंडीशनिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चार पैरामीटर को मेनली कंट्रोल करते हैं, जिसमें से पहला है टेम्परेचर यानी कि तापमान, उसके बाद ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं, एयर वेलोसिटी हमारी जो हवा की गति है, और चौथा है प्योरिटी ऑफ एयर यानी कि हवा की स्वच्छता। सो फ्रेंड्स, ये एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में जो एक डिफरेंस है जिसको हम अपनी पहली वीडियोस में बता चुके हैं कि रेफ्रिजरेशन में हम मेनली टेम्परेचर कंट्रोल पे ही कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनिंग में हम इन चारों पैरामीटर्स पे कंट्रोल करते हैं, उनको क्रिटिकली मॉनिटर किया जाता है। सो हम एक एक करके चारों पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो अगर किसी भी ह्यूमन बींग को कंफर्टेबल रहना है तो वो टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है उसकी बॉडी से अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा, जिससे कि उसकी जो बॉडी है जो हीट रिलीज कर रही है वो आराम से डिसिपेट होती रहे। सो लेकिन हम अगर हम टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देंगे, जैसे कि विंटर टेम्परेचर में होता है, विंटर के सीजन में होता है, तो ह्यूमन के लिए वो अनकंफर्टेबल होता है। सो Most the human feels comfortable in temperature range of 22 to 26.5 degree Celsius. तो ये हमारी एक रेंज है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की, जिस रेंज में अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करें रूम का या जहाँ पे भी हमने एयर कंडीशनिंग कर रखी है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी इंसान वहाँ पे काम कर रहे हैं या बैठे हैं, जो को भी अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। और टेम्परेचर डिफरेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी से हीट ट्रांसफर जब ही होता है जब उसके बॉडी का और जो सराउंडिंग है उसके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। सो अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर डिफरेंस ह्यूमन बॉडी और उसके एनवायरमेंट के बीच में है तो ये अच्छा रहता है। साथ ही एक जो चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि टेम्परेचर रेंज इज लोअर इन विंटर सीजन। जो हमारे टेम्परेचर रेंज हम एयर कंडीशनिंग में मेंटेन करते हैं गर्मियों में 22 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस, बट विंटर में उसको घटा के कम कर देते हैं 18 से लेकर 22। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि विंटर में हम टेम्परेचर और कम क्यों कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि पहला कारण है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो विंटर में टेम्परेचर के साथ में एक्लेमेटाइज हो जाती है, उसको उसकी आदत हो जाती है, तो लोअर टेम्परेचर पे भी ह्यूमन जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो उसको गर्मी महसूस होने लगेगी। दूसरा ये है कि सर्दियों में हम बहुत सारे वुलन क्लोथ्स या गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर है बॉडी से वो कम हो जाता है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर को हमको लोअर साइड में मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा है ह्यूमिडिटी कंट्रोल, यानी कि जो हमारी आर्द्रता है हवा की उसको कंट्रोल करना। टेम्परेचर के साथ साथ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जब हमारा बारिश का मौसम होता है, जब हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमको टेम्परेचर भले ही कम हो लेकिन फिर भी नमी ज्यादा होने की वजह से कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ह्यूमन बॉडी जो है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है जब जो ह्यूमिडिटी है वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होती है। सो जो एक्सेप्टेबल रेंज है हमारा ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, वो 30-70% होता है। सो फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको
एयर कंडीशनिंग में कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज एयर फ्लो कंट्रोल। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हवा की जो गति है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एयर कंडीशनिंग में। अगर बहुत तेज हवा, ठंडी हवा आपके पास में आ रही है, तो आपको वो कंफर्ट पहुंचाने के बजाय, अच्छा महसूस कराने के बजाय आपको तकलीफ दे हो सकती है। तो एक कंफर्टेबल एयर फ्लो जो है वेलोसिटी, उसकी मेंटेन करी जाती है, जिससे कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी इंसान है, उनको वो कंफर्टेबली काम कर सके। सो मूवमेंट ऑफ एयर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसिपेशन ऑफ हीट, बट हायर वेलोसिटी मे लीड टू अनकंफर्टेबल सिचुएशन। सो जो हवा का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि आप देखते हैं जब हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, वो इसी कारण से है कि जो एयर वेलोसिटी है वो हीट डिसिपेशन में मदद करती है। अगर हवा का मूवमेंट हो रहा है रूम में तो बॉडी से हीट आसानी से रिमूव होती रहती है, लेकिन जैसे ही ये हवा की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है तो अनकंफर्टेबल हो सकता है। देयरफॉर एयर वेलोसिटी इज मेंटेन इन द रेंज ऑफ 0.35 टू 0.45 मीटर पर सेकेंड इन समर, एंड इन विंटर रेंज ऑफ 0.15 टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो समर में हम ज्यादा मेंटेन करते हैं और विंटर में कम मेंटेन करती किया जाता है, क्योंकि विंटर में अगर ठंडी हवा डायरेक्टली हमारे मुंह पे या बॉडी पे आएगी तो वो ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकती है, इसलिए विंटर में वेलोसिटी जो है उसको एयर की वो कम रखा जाता है। एंड लास्ट एंड जो हमारा पैरामीटर है वो है एयर प्योरिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद टाइम इंडोर एयर मे गेट कंटेमिनेटेड विद CO2, VOC, स्मोक एंड अदर एमिशन फ्रॉम इक्विपमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम किसी क्लोज्ड रूम में एसी चल रहा है, जाहिर सी बात है अगर किसी रूम में एसी चल रहा है तो उसकी विंडोज और जो गेट है डोर से उनको बंद करके रखा जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारा रूम है उसमें CO2 कंटेंट या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट जो है कंटेमिनेट्स हैं, या और भी चीजें हैं जैसे कि हमारी वुडन अगर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ इमिशन होता है, जो वॉल पेंट्स हैं उनसे भी कुछ ना कुछ इमिशन होता है, तो वो सब हमारे रूम में एड ऑन होता रहेगा। तो ऐसे केस में हमें एयर प्योरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो हम करते हैं टाइम टू टाइम बाय एडिंग फ्रेश एयर। साथ ही जो वेंटिलेशन एयर है, जो बाहर से जो एयर आ रही है, जैसे दरवाजे की जो क्रिवाइसिस होती है, जैसे नीचे में कुछ जगह खाली होती है, विंडोज में भी कुछ जगह खाली होती है, तो वहां से बाहर से कुछ ना कुछ हवा आती रहती है, तो वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ डस्ट, जर्म्स या ऑब्जेक्शनेबल गैसेस ये सब लेके आती है, तो ये सब भी हमें रिमूव करना होता है। तो कूलिंग कॉइल से जब हम पास करते हैं, जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम से हम एयर को पास करते हैं, तो वहां पे एक फिल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एयर हमारी कूल होने के साथ साथ प्यूरिफाई भी हो जाए। सो फ्रेंड्स, एयर कंडीशनिंग को का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर यूजेस पे। तो ब्रॉडली हम एयर कंडीशनिंग को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है कोल्ड स्टोरेज, दूसरा है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जो हम घरों में या जहां वर्क प्लेस होता है वहां पे, और तीसरा है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इसको देखेंगे। So cold storage is considered as application of refrigeration only. However, in this room, air is cooled to much lower temperature and supplied back to storage space. So जैसे कि हम generally मानते हैं कि जो हमारा cold storage है वो सिर्फ एक refrigeration का ही system वहाँ पे लगा हुआ होगा, but ऐसा नहीं है। वहाँ पे cold storage में क्या किया जाता है कि जो air है उस air को ही इतना लो टेम्परेचर तक कूल किया जाता है, जो नॉर्मल एयर कंडीशनिंग में नहीं होता है, और वापस उस एक्स्ट्रा कूल्ड जो एयर होती है उसको स्टोरेज स्पेस में भेजा जाता है, वहां पे रखी हुई चीजों को ठंडा रखने के लिए। सो स्टोरेज स्पेस कंडीशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट स्टोर्ड। जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें क्या टेम्परेचर और क्या ह्यूमिडिटी और क्या कंडीशन उसकी मेंटेन करनी है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट हमने स्टोर करके रखा हुआ है। अगर वहां पे हमने लीफी वेजिटेबल स्टोर करके रखी हुई है तो हमारी स्पेस की कंडीशन अलग होंगी, अगर हमने वहां पे मिल्क प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं तो वहां पे टेम्परेचर कंडीशंस अलग होगी, अगर वहां पे हमने फ्रूट्स रखे हैं तो टेम्परेचर कंडीशन अलग होगी। तो
ये कोल्ड स्टोरेज की जो कंडीशंस हैं डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा आइटम या कौन सा प्रोडक्ट हमने स्टोर करके रखा हो। एज स्टोरेज लाइफ ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर मेंटेन्ड इन द स्टोरेज स्पेस, हेंस टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर वेरी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड इन द कोल्ड स्टोरेज। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हम किसी प्रोडक्ट को रखते हैं वो जो स्टोरेज लाइफ है उस प्रोडक्ट को की स्टोरेज लाइफ को डायरेक्टली हैम्पर करता है। तो जो हमारा टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं वो कोल्ड स्टोरेज में बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन की जाती हैं एक नैरो टॉलरेंस। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर फ्रूट्स टेम्परेचर रेंज वेरीज फ्रॉम -1 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे जो जनरल फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, या इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको हम जनरली -1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर के बीच के टेम्परेचर रेंज में रखते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो है बनाना। बनाना का जो एक्चुअली बनाना का जो राइपनिंग है उसका जो पकने की जो गति है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो बनाना के जो पकने की सबसे कम गति होती है वो अराउंड 14 to 15 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। तो स्पेशली बनाना के केस में टेम्परेचर थोड़ा सा हायर कंडीशन हायर लेवल पे रखा जाता है। ऐसे ही हमारा जो मिल्क है, मिल्क हमारा जो -6 डिग्री या उससे नीचे में जम जाता है, तो अवॉइड करने के लिए हमें उसे 0 डिग्री सेल्सियस के करीब में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जो फॉर ग्रीन वेजिटेबल टेम्परेचर रेंज वेरीज फ्रॉम 14 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको अगर हमको कोल्ड स्टोर में या स्टोरेज में रखना है तो उनके लिए 14 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ये आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर में भी समझ सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सबसे ऊपर हमारा जो चिलर सेक्शन दिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो वहां पे हम अपने जो सबसे जल्दी खराब होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या जहाँ पे हमको आइस बनाना होता है, जहाँ पे हमको लो टेम्परेचर चाहिए, वो हम उस चिलर में या ऊपर वाले पार्ट में रखते हैं। और उसके बाद नीचे नीचे जैसे जैसे आते हैं तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और सबसे नीचे जहां पे हमारा सेक्शन दिया होता है वेजिटेबल्स के लिए वहां टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में सबसे कम होता है। इसीलिए जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उन रेफ्रिजरेटर में सबसे नीचे रखी जाती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग हम यूज करते हैं जहां पे हम जैसे हमारे घर हो गए, ऑफिसेज हो गए, जहां पे हम जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो जहां पे काम करते हैं। सो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट विच इज कंफर्टेबल टू द मेजोरिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जो हमारा कार्य करने की जो जगह है या रहने की जो एनवायरमेंट है वो कंफर्टेबल हो, यही इस कंफर्ट एयर कंडीशनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है या उसका उद्देश्य होता है। ऑफन ए सिंगल पैरामीटर कॉल्ड इफेक्टिव टेम्परेचर इज यूज एज एन इंडेक्स ऑफ कम्फर्ट। जैसे कि आपने हमने सबसे शुरू में बताया कि एयर कंडीशनिंग में चार टेम्परेचर, चार अलग अलग पैरामीटर यूज किए जाते हैं, तो उनको अलग अलग कंट्रोल करना या बार बार उनको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर, और ये इफेक्टिव टेम्परेचर हमारा तीनों पैरामीटर्स एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी को इंक्लूड करके कैलकुलेट किया जाता है। सो इफेक्टिव टेम्परेचर की डेफिनेशन हम यहाँ पे दिया हुआ है। इफेक्टिव टेम्परेचर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड एयर, यानी कि जिस एयर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100, एट विच समवन वुड एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग ऑफ कंफर्ट एज एक्सपीरियंस्ड इन द एक्चुअल अनसेचुरेटेड एनवायरमेंट। सो इस डेफिनेशन में हम है कि इफेक्टिव टेम्परेचर 100% सेचुरेटेड एयर का टेम्परेचर है जिसमें जो हमारा पर्सन है वो सेम कंफर्ट फील कर रहा है जैसा वो एक्चुअल कंडीशन में फील कर रहा है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मान लीजिए कोई इंसान है वो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50% RH पे वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, और हम दूसरी एयर जो 100% सेचुरेटेड है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 26 डिग्री सेल्सियस है, और सेम पर्सन 26 डिग्री सेल्सियस पर 100% सेचुरेटेड एयर में भी सेम कंफर्ट महसूस कर रहा है जैसा वो
22 डिग्री और 50% आरएच पे महसूस कर रहा था। सो जो हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर है वो हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। सो जो हमारा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है फ्रेंड्स, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है समर एयर कंडीशनिंग और दूसरा है विंटर एयर कंडीशनिंग। सो समर में एयर टेम्परेचर इज हाई एंड कंटेन्स हाई मॉइस्चर। तो समर में हमारी जो एयर का जो टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट का बाहर एम्बियंट, वो हाई होता है, ज्यादा होता है, और दूसरा मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होता है, जो हम जनरली फील करते हैं जब हमारे यहाँ पे मॉनसून सीजन होता है। देयरफॉर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस फॉलोड। तो ऐसे में हवा को जो ठंडा भी किया जाता है और साथ में उसको डिह्यूमिडिफाई भी किया जाता है। समटाइम्स एयर में भी हॉट एंड ड्राई। सो कभी कभी समर्स में ऐसा होता है कि हमारी जो एयर है वो हॉट है और साथ में वो ड्राई है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, जैसा कि जनरली डेजर्ट में कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे में हमें जो एयर है उसको कूल करना है, साथ में उसको ह्यूमिडिफाई करना है। दूसरा जो है हमारा है विंटर एयर कंडीशनिंग। सो ड्यूरिंग विंटर एयर कंडीशनिंग एयर इज कोल्ड एंड ड्राई। तो जो हमारी सर्दियां होती हैं उसमें एम्बियंट टेम्परेचर जो है, हमारी जो वातावरण है उसमें हवा का टेम्परेचर कम होता है, साथ ही हवा खुश्क होती है, ड्राई होती है। तो ऐसे में हीटिंग करनी है उस एयर की और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। ये हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग के लिए। थर्ड है फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। सो वेरियस इंडस्ट्रीज रिक्वायर डिफरेंट इंडोर कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन कैरिट। तो जो हमारी इंडस्ट्री होती है, हर किसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अपनी अलग अलग होती है, जो डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का ऑपरेशन या किस तरह का काम हो रहा है। सो इसको जनरली दो तीन कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा मेट्रोलॉजिकल लैब्स हैं, या जहां पे हम मेजरमेंट या फिर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो काम होता है उस तरह की जो लैब्स हैं। साथ में प्रिसीजन मशीनिंग सेंटर है, जहां पे बहुत ही हाई एक्यूरेसी का जो मशीनिंग का ऑपरेशन होते हैं, या फिर सर्वर रूम्स हैं जहां पे हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं या सर्वर्स रखे हुए हैं, वहां पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो जनरली 16-20 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। साथ ही जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो यहाँ पे बहुत ही कम रखी जाती है, जो 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो ऐसी जगह पे हम मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सो किसी भी कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इस रेंज से ज्यादा नहीं रखा जाता है। सो ऐसी जगह पे जनरली जो हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारी जैसे इन पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल मिल्स। जो हमारे पेपर मिल और टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाई मेंटेन करी जाती है, जनरली इन द रेंज ऑफ 70-75% सो इसका कारण क्या है कि जो पेपर है, अगर पेपर या टेक्सटाइल मिल्स हैं, अगर वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम हो जाएगी, यानी कि जो एयर का मॉइस्चर कम रहेगा, तो हमारा पेपर ड्राई हो जाएगा, या टेक्सटाइल्स जो हमारी कपड़ा जो बन रहा है वो ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टूट सकता है या फट सकता है। तो ऐसी जगह पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हाई मेंटेन किया जाता है, जनरली 70-75% तक। ऐसी इंडस्ट्री में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। टेम्परेचर में अगर कुछ वेरिएशन होता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी हाई होनी चाहिए। थर्ड है फ्रेंड, जैसे हमारी बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल या केमिकल से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री में हमारा टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो एयर कंडीशनिंग का से रिलेटेड अभी जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिफरेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।